हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमेडी क्लासेस। आज हम क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो क्या फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस कभी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके हम क्या करेंगे, आज प्रूविंग करेंगे इस वीडियो पे। तो क्या होगी, पहले हम लेट कर लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लेट करेंगे, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट क्या किया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लेंगे फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइडिंग ऑफ ए क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेशन में ए का डिवाइड करेंगे दोनों ओर, यानी एलएचएस एंड आरएचएस में बोथ साइड। ए एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो यानी एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। क्या किया मैंने, इसमें ए का डिवाइड किया तो ये हमारा ए डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर बचा प्लस बी अपॉन ए हुआ एंड एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए जो x का मल्टीपल है उसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, तो उसका स्क्वायर करने के बाद एक बार प्लस करेंगे, इक्वेशन में आएंगे एक बार माइनस करेंगे। तो इसका हाफ b अपॉन a का हम हाफ करेंगे, तो b अपॉन क्या होगा हमारा 2a होगा, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा। तो हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन फोर ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर एंड फोर ए स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया, इसका हाफ किया तो क्या आया, बी अपॉन टू ए आया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर बनेगा इक्वल टू हमारा क्या साथ में चल रहा है, जीरो। अब हमारे ये x square plus b upon x and plus b square upon 4a square क्या बनेगा, x plus b upon 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, x plus b upon 2a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब मेरा बचा क्या, c upon माइनस का b square upon 4a square plus c upon a equal to zero। ये हमारा क्या बचा, ये गिवन जो इसमें इन्होंने माइनस किया था तो ये प्लस वाला, तो इसके साथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से साथ चला गया। बट ये क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए बचा। इसको हम सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, पहले एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा एलसीएम, फोर ए स्क्वायर एलसीएम आएगा। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, वन, तो ये वन का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में क्या आएगा, बी स्क्वायर एंड प्लस लगा हुआ तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, माइनस एंड फोर ए स्क्वायर, तो यानी ए क्या हो जाएगा, सी एक एक कट जाएगा, तो यानी हमारा क्या आएगा, फोर ए सी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब हम इसको क्या करेंगे, आर एच एस पे ट्रांसफर करेंगे, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, आर एच एस हमने ट्रांसफर किया तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर बना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जो टू है इसको हम रूट के फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 4a स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का रूट क्या होगा, 2a स्क्वायर का रूट क्या होगा, a होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, मेरा प्लस माइनस साइन लगा होता है स्क्वायर रूट में, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस का b अपॉन 2a आया। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2a आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b अपॉन 2a आया। ठीक, अब इसको ये माइनस का b है, इसको हम आगे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट में
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा हमने ये कैसे निकाला। ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला बना x इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये आपको फॉर्मूले के जो नेक्स्ट वीडियो मेरे आएगा वो इसी फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन कराएंगे, बट मैंने ये इस फॉर्मूले की प्रूविंग केवल इस वीडियो पे कराई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।